नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, वायरसेस की क्या स्ट्रक्चर होती है, उसमें सजीव तथा निर्जीव के कौन से गुण होते हैं और वायरस के अंदर रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोप्लाज्मा की क्या स्ट्रक्चर होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग बैक्टीरिया। दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पास्टर इन 1843 ड्यूरिंग हिज वर्क ऑन द पॉसिबल कॉजल एजेंट ऑफ प्लूरोनिमोनिया ऑफ कैटल। दस दे वर कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ईपीएलओ। पास्टर वॉज अनेबल टू आइसोलेट देम इन प्योर कल्चर। तो पास्टर ने डिस्कवर किया किसमें, कैटल में, जिसमें क्या था, निमोनिया हो जाता था, प्लूरोनिमोनिया हो जाता था। तो उसने उसको उसका कारण देखा तो उसको पता लगा कि ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कैटल के अंदर निमोनिया इंड्यूस करते हैं। लेकिन पास्टर वो जो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे उसको वो आइसोलेट नहीं कर पाया। उसके बाद में नोकार्ड एंड रॉक्स 1898 दे वर फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, दे वर सक्सेसफुल इन ग्रोविंग देम इन प्योर कल्चर मीडियम कंटेनिंग सीरम। दे कंफर्म्ड बाय इनोक्युलेशन एंड सब्सिक्वेंट एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज इन हेल्दी कैटल। तो उन्होंने उसको आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करने के बाद में उन्होंने प्योर कल्चर मीडियम पे उनको ग्रो किया और फिर उसका पता किया, वापस उनको इनोक्युलेट किया, जिसके बाद में हेल्दी जो कैटल से उनको इनोक्युलेट किया और उसमें देखा कि निमोनिया होता है कि नहीं होता। तो इस तरह से उन्होंने उसको कंफर्म किया। द माइकोप्लाज्मा सेल कंटेन्स द मिनिमम सेट ऑफ ऑर्गेनेल्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम एंड अ जीनोम कंसिस्टिंग ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। सो इस प्रकार से इसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया इसमें माइकोप्लाज्मा में, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक राइबोसोम और एक जीनोम जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अनलाइक ऑल अदर प्रोकैरियोट्स द माइकोप्लाज्मा हैव नो सेल वॉल। दूसरे प्रोकैरियोट्स की जैसे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है माइकोप्लाज्मा का जिसमें आपको सेल आराम से दिख रही है जो कि है ना जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है और जिसके ट्राई लेमिनर शेप है सेल मेम्ब्रेन की। तो आप इसमें माइक्रोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब माइक्रोप्लाज्मा जो है बेसिकली ये किस क्लास को बिलोंग करते हैं ये यदि देखें हम लोग, तो जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं दैट बिलोंग्स टू क्लास मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मीन स्मॉलेस एंड सॉफ्ट एंड क्यूटिस यानी स्किन, यानी इनकी सॉफ्ट स्किन होती है। एंड ऑर्डर माइकोप्लाज्मेटल्स क्या है, क्लास कौन सी है, मॉलिक्यूल्स है और ऑर्डर है उसका माइकोप्लाज्मेटल्स। दिस ऑर्डर कंटेन्स फोर फैमिलीज, माइकोप्लाज्मेटेसी, एक्लोप्लाज्मेटेसी, स्पायरोप्लाज्मेटेसी एंड एनाप्लाज्मेटेसी। इसमें यदि हम लोग देखें तो आउट ऑफ दीज मोस्ट माइकोप्लाज्मा कॉजिंग ह्यूमन इन्फेक्शंस बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ माइकोप्लाज्मेटेसी। तो माइकोप्लाज्मेटेसी में जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या करते हैं, ह्यूमन इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दूसरी फैमिली जो एकोलेप्लाज्मेटेसी है वो इंक्लूड दैट इंक्लूड्स मोस्टली सेफ्रोफाइटिक माइकोप्लाज्मा। दीज माइकोप्लाज्मा डू नॉट रिक्वायर स्टीरोलेस ग्रोथ फैक्टर्स। द फैमिली स्पायरोप्लाज्मेटेसी इंक्लूड्स मोस्टली माइकोप्लाज्मा विच आर पैरासाइट्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड प्लांट्स, दे रिक्वायर स्टीरोल्स एज देयर ग्रोथ फैक्टर। एंड देन फैमिली एनाप्लाज्मेटेसी दैट कंटेन्स माइकोप्लाज्मा दैट आर स्ट्रिक्ट एनोरोब्स एंड आर फाउंड इन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ कैटल एंड सीप। तो इस प्रकार से चारों जो फैमिलीज है उनके अंदर जो माइकोप्लाज्मा है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइकोप्लाज्मा होते हैं।
तो जो ह्यूमन इन्फेक्शन के लिए है वो माइकोप्लाज्मेटेसी जो फैमिली होती है वही ज्यादातर रेस्पॉन्सिबल होती है। यदि इसका हम क्लासिफिकेशन देखिए, माइकोप्लाज्मेटेसी जो फैमिली है उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, तो दैट इंक्लूड्स पैरासाइट्स, माइकोप्लाज्मा विच रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल और अदर स्टीरॉल एज ग्रोथ फैक्टर्स। सो ये अपनी जो ग्रोथ फैक्टर के लिए कोलेस्ट्रॉल अथवा जो दूसरे स्टीरॉल्स है उनको वो आवश्यक होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू जेनेरा, फर्स्ट माइकोप्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज यूरिया प्लाज्मा। सो द जीनस माइकोप्लाज्मा कंटेन्स द पैथोजेंस दैट यूज ग्लूकोज और आर्जिनिन बट डू नॉट यूटिलाइज यूरिया। द जीनस कंटेन्स ओवर 90 स्पीसीज। दिस स्पीसीज अकर्स एज कॉमन सेल्स, पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड मैमेलियन होस्ट, फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा न्यूमेनी। द जीनस यूरिया प्लाज्मा इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म दैट यूटिलाइज यूरिया। वो जो माइकोप्लाज्मा था दैट यूटिलाइज ग्लूकोज और आर्जिनिन। दिस जीनस यूरियाप्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 5 स्पीसीज ऑफ विच यूरियाप्लाज्मा यूरिया लाइटिकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज आइसोलेटेड फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमंस। सो ये जो यूरियाप्लाज्मा यूरिया लाइटिकम जो स्पीसीज है ये इन्फेक्शन किसमें करती है, जेनाइटल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये जो ह्यूमंस में जो जेनाइटल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ये इन्फेक्शन कॉज करती है। अब इसके सैलियंट फीचर्स क्या क्या होते हैं बेसिकली, सो माइकोप्लाज्मा शोज द फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। फर्स्ट है माइकोप्लाज्माज आर वेरी स्मॉल बैक्टीरिया मेजरिंग 150 टू 215 नैनोमीटर इन डायमेंशन। दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल एंड टिपिकली देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स स्टीरॉल्स। तो इसमें सेल वॉल का अभाव होता है बैक्टीरिया की तरह से, और सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें स्टीरॉल्स प्रेजेंट होता है। मैनी माइक्रोप्लाज्मा कैन पास थ्रू 0.545 माइक्रोमीटर फिल्टर। यदि इस साइज वाला यदि फिल्टर लें तो उससे ये आसानी से पास हो जाते हैं। इस वजह से हैंड्स वर वंस बिलीव टू बी वायरसेस। इस वजह से उनको पहले वायरसेस की वायरसेस माना जाता था। हाउएवर दे डिफर फ्रॉम वायरसेस इन देयर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लेकिन इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो फॉलोइंग जो प्रॉपर्टीज है इनके बेसिस पे ये वायरसेस से डिफरेंट होते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सो फर्स्ट दे कंटेन बोथ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सो दोनों जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दोनों उसमें प्रेजेंट होते हैं। दे आर एबल टू ग्रो ऑन सेल फ्री मीडिया इन विट्रो। सो ये क्या होता है, सेल फ्री मीडिया में ग्रो करने में सक्षम होते हैं इन विट्रो कंडीशन में। दे शो बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर पैरासिटिज्म इन विवो, और इन विवो में ये एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर तथा एक्स्ट्रासेलुलर पैरासिटिज्म शो करते हैं। जबकि वायरसेस को सेल चाहिए ग्रो करने के लिए और इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर पैरासाइट्स वो शो नहीं करते हैं। माइकोप्लाज्मा स्पीसीज वाज आल्सो कंसीडर्ड टू बी एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज दे लैक अ सेल वॉल। हाउएवर they differ from bacteria including L form in the following properties. So ये जो properties हैं जिससे कि ये L form वाले bacteria से भी different होते हैं। So first इसमें they have sterol in the cell membrane. Second they do not show any reversion to structure with cell walls. They do not share any DNA homology with other bacteria. They have genome with a low molecular weight. So and another properties are they have low guanine and cytosine contents. The absence of cell wall makes mycoplasma resistant to penicillin, cephalosporins and vancomycin. Inke alawa bhi aur bhi bahut sare antibiotics bhi hoti hai jo ki cell wall ke nirman mein energy interfere karti hai usse bhi ye bacteria resistant hote hain, kyunki jaisa aapko pata hai ki inme cell wall ka abhav hota hai तो ये जो एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि सेल वॉल के सिंथेसिस में इंटरफेयर करती है, इस वजह से ये जो माइकोप्लाज्मा है ये इन एंटीबायोटिक अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो करता है। माइकोप्लाज्मा स्पीशीज टिपिकली शोस प्लियोमॉर्फिज्म। इनमें प्लियोमॉर्फिज्म होती है यानी क्या होता है, इनकी एक प्रकार की शेप नहीं होती है।
ये देख सकते हैं आप, जैसे ये कोकस फॉर्म है और ये आपकी फिलामेंटस फॉर्म्स है। सो द कोकस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ ऑल माइकोप्लाज्म इन कल्चर। आप देख सकते हैं ज्यादातर कोका इसमें प्रेजेंट है। द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट कोकस कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज अबाउट 300 नैनोमीटर। इन मोस्ट माइकोप्लाज्म कल्चर्स elongated or filamentous forms up to 100 micrometer long and about 0.4 micrometer thick. So thickness inki jo hai 0.4 micrometer hai aur lambai jo inki hai wo 100 micrometer hoti hai. The filaments tends to produce truly branched myceloid structure, hence the name mycoplasma means myces, a fungus, plasma, a form. Means kya hota hai isme? दोनों प्रकार की फॉर्म्स पाई जाती है, जैसा मैंने बताया आपको कोकस फॉर्म है और ये आपकी जो फिलामेंटस फॉर्म्स है। और कोकस जो है फॉर्म्स है उसका जो डायमीटर होता है वो आपको बता दिया मैंने कि लगभग ना जो 300 नैनोमीटर होता है, और जो फिलामेंटस फॉर्म्स है उसकी जो लंबाई है वो 100 माइक्रोमीटर लंबी होती है और उसकी जो थिकनेस है वो 0.4 माइक्रोमीटर होती है। तो इस प्रकार से माइकोप्लाज्मा की ये डिफरेंट डिफरेंट सेलियंट फीचर्स है। इनके सेलियंट फीचर्स में एक चीज और है कि दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फीजर। जैसा कि अपन पहले बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या करता है, बाइनरी फीजन से मल्टीप्लाई करता है। हाउएवर जीनोमिक रेप्लिकेशन सेल डिविजन आर ऑफन एसिंक्रोनस, यानी एसिंक्रोनस होते हैं, जीनोम रेप्लिकेशन हो गया लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो पाया, तो रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ मल्टी न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स एंड अदर बॉडी फॉर्म्स एंड चेन्स ऑफ बीड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए बीड्स, चेन्स ऑफ बीड्स बन रही है ना, ये छोटी छोटी बीड्स हैं, इसके चेन्स बन गए, या फिर कई बार क्या होता है बड़ा फिलामेंट भी बन गया। तो सो एसिंक्रोनस होने से क्या हो गया आपका कि जीनोम तो रेप्लिकेशन हो गया लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो पाया, जिससे क्या हुआ ये जो बीड्स जो थी ये अलग अलग नहीं हुई है, या फिर ये सेल कंटिन्यूसली ग्रो कर गया जिससे क्या हो गया ये फिलामेंट फॉर्म में हो गया। दे डू नॉट पजेस फ्लैजुला और पिलाय, बट सम माइकोप्लाज्मा स्पीशीज इंक्लूडिंग माइकोप्लाज्मा निमोनी शोज ग्लाइडिंग मोटिलिटी ऑन लिक्विड कवर्ड सर्फेसेस। इनमें फ्लैजुला और पिलाय का अभाव होता है, लेकिन जैसे माइकोप्लाज्मा जो निमोनी है ये ग्लाइडिंग मोटिलिटी शो करता है, किस पे, लिक्विड कवर सर्फेसेस पे, यानी ग्लाइडिंग मूवमेंट मोटिलिटी ये शो करता है। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म स्टेन पुअरली ब्राय ग्राम स्टेन एंड आर ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, बट दे आर बेटर स्टेन बाय गिम्सा एंड डाइन स्टेन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ग्राम नेगेटिव हो गए तो स्टेन किससे होते हैं, ये गिम्सा से तथा डाइन स्टेन से होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, देख लीजिए दोनों तरह के बैक्टीरिया, ये दोनों तरह के फॉर्म्स इसमें प्रेजेंट है, ये फिलामेंटस है और ये आपकी कोकस फॉर्म है, ये आपकी है ना जो बीडेड लाइक स्ट्रक्चर बन गई, चेन शेप बन गई। ठीक है, जो कि एसिंक्रोनस सेल डिवीजन से होती है। अब पैथोजेनेसिस क्या है बेसिकली, यदि हम माइकोप्लाज्मा निमोनिया की जैसे पैथोजेनेसिस देखें तो ये कहाँ कर रहा है, बेसिकली फेरेंजिटिस डिजीज कर रहा है, ब्रोंको निमोनिया कर रहा है और लोबर निमोनिया कर रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, लंग्स पे या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे एक्ट करता है निमोनिया। और जो यूरियोप्लाज्मा यूरियालाइटिकम है जो ये क्या कर रहा है, गैस जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर डिजीज कॉज करता है। तो इस प्रकार से इसकी पैथोजेनेसिस होती है। माइकोप्लाज्मा निमोनी आपका लंग्स पे एक्ट कर रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे एक्ट कर रहा है, और यूरियोप्लाज्मा यूरियालाइटिकम है वो क्या कर रहा है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे ये एक्ट कर रहा है। थैंक यू, आज हम इसको यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।